जींद विधानसभा उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी सबसे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से है, काफी कुछ मतलब है इस उपचुनाव का, इनके नतीजों का, और जो अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जननायक पार्टी सबसे आगे है। दिग्विजय चौटाला जींद में सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि रामगढ़ सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। आपको बता दें कि जींद विधानसभा का ये उपचुनाव कांग्रेस के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिहाज से भी, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक एक तीसरी ही पॉलिटिकल पार्टी बढ़त बनाई हुई है जींद में। बिल्कुल, तो जननायक जनता पार्टी इस वक्त सबसे आगे चल रही है। हालांकि रामगढ़ सीट पर कांग्रेस को बढ़त जरूर मिली हुई है, लेकिन तमाम पार्टियों के लिए नाक का सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो 28 जनवरी को उपचुनाव हुए थे, जिसमें लगभग 75% वोटिंग हुई थी, और आज मतगणना जो है वो लगातार जारी है। तो ये उपचुनाव बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और नवगठित ये जननायक जनता पार्टी। और देखिए जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला जींद में तीसरे नंबर पर हैं। इस वक्त के जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा एक तरीके से हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के बाद भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिहाज से जींद के विधानसभा उपचुनाव को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और यहाँ की जो खबरें हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अच्छी खबरें नहीं होंगी, क्योंकि एक बड़े नेता हरियाणा कांग्रेस के यहाँ पर तीसरे नंबर पर इस वक्त चल रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज मतगणना हो रही है। 28 जनवरी को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद से ही तमाम पार्टियों के बीच नाक की ये जंग जो है वो छिड़ी हुई है। रणदीप सुरजेवाला तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, जबकि रामगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस की साफिया खान जो है वो रामगढ़ में लीड कर रही है। तो इस बार तीन बड़े चेहरे जाट समुदाय से मैदान में हैं। जातीय गणित हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें 1972 में जाट उम्मीदवार जीता था। कांग्रेस के चौधरी दल सिंह विधायक बने थे इस दौरान, और जींद में करीब 48,000 जाट वोटर्स हैं। ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य वोटर्स की संख्या यहां पे अच्छी खासी है, ज्यादातर वैश्य और पंजाबी समुदाय के विधायक यहां पर चुने गए हैं इससे पहले। तो देखना होगा कि नतीजे किस तरीके के आते हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान है जींद के खासकर वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं है, और एक तरीके से मुश्किलें भाजपा की भी कम नहीं है, क्योंकि राज्य में सत्ता में है।